मई और जून में दिसंबर जैसे मौसम का एहसास चाहिए, या चिलचिलाती गर्मी के मौसम में बर्फीली हवाओं के सुकून की तलाश है तो शिमला आ जाइए। इन दिनों यानी कि मई महीने के अंत में भी लोग गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं, और सिर्फ शिमला ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में गर्मी में सर्दी जैसा फील हो रहा है। मौसम की मार कहें या कुदरत का करिश्मा, जिन दिनों शिमला का तापमान 27 से 28 डिग्री तक रहता था, उन दिनों में तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच है। सोमवार को शिमला में 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले साल 30 मई 2009 को शिमला का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लिहाजा 2009 के बाद 2023 में मई महीने का आखिरी हफ्ता इतना ठंडा रहा। हालांकि ठंड के चलते पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं, मई में दिसंबर जैसी ठंड के बीच वादियों को निहार रहे हैं, लेकिन मौसम के मिजाज के चलते इस बार पर्यटक भी हैरान हैं। रिज मैदान पर ज्यादातर पर्यटक गर्म कपड़ों में दिखे, जो ठंड में आइसक्रीम का स्वाद चखते नजर आए, तो कुछ लोग धूप की किरणों की तलाश कर इसकी गर्माहट से ठंड को भगाते दिखे। बता दें कि सोमवार शाम को प्रदेश के सभी जिलों में झमाझम बारिश हुई, तो वहीं मंडी शिमला समेत तमाम इलाकों में तूफान और लगातार बारिश होती रही, जिससे पारा में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते रोज हुई बारिश की बात करें तो बीते 12 घंटों में शिमला में 32 mm, मंडी में 34 mm, नाहन में 39 mm, चंबा में 27 और धर्मशाला में 33 mm बारिश हुई है। इसके अलावा कुंजम दर्रा और रोहतांग की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात भी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इंद्र देवता अभी एक सप्ताह तक और भिगाने वाले हैं। एक हफ्ते के बाद बारिशों से राहत मिल सकती है। आंकड़ों के मुताबिक अगले 24 घंटे में शिमला, मंडी, चंबा, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा और कुल्लू के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।